सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा के पटेल कॉलेज में शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव जी के शहीदी दिवस को समर्पित एसडीएम राजपुरा श्री संजीव कुमार की अगुवाई में तहसील स्तर पर एक विशाल समारोह का आयोजन कॉलेज के जिम्नाजियम हॉल में आयोजित किया गया। इस शहीदी समारोह के मौके पर हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर ने बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत कर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस समारोह में तहसीलदार राजपुरा हरसिमरन सिंह, डीएसपी राजपुरा श्री कृष्ण कुमार पांथे, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान देहाती बलदेव सिंह गद्दोमाजरा, लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा, उप प्रधान नगर कौंसल सरदार अमनदीप सिंह नागी, नायब तहसीलदार गुरमीत सिंह मिचड़ा सहित बड़ी संख्या में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई नशों के खिलाफ मुहिम के तहत तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए स्वयं सेवकों नशा रोकू अफसरों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। शहीदी समारोह के दौरान पहले यहां आने पर जहां एसडीएम राजपुरा श्री संजीव कुमार ने हल्का राजपुरा विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर का स्वागत किया, वहीं हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर जी द्वारा अपने संबोधन में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की गई, वहीं उन्होंने नौजवान पीढ़ी को नशों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि आज का जो दिन है पंजाब के अंदर शहीदों को समर्पित दिन है। शहीद भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव जी को जो समर्पित दिन है जिन्होंने इस देश को आजाद करने के अंदर बहुत बड़ा जिन्हों का रोल है योगदान है। सो पंजाब सरकार जिसने पहले ही फैसला किया है तो कसम खाधी है कि पंजाब के असी जड़े नशे हैं उन्होंने असी जड़ों खत्म करना है। ये मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पूरे पंजाब एक प्रोग्राम अलीकिया है तो वो राही जे वॉलंटियर्स ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर्स जोड़े पंजाब के अंदर जोड़े है हर पिंड के हर महल के जोड़े बनाए हैं ताकि वो इस लहर घर घर तक लैके जाएंगे। अज मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खटकड़ कला शहीद भगत सिंह जी का जो पिंड है उतों पूरे पंजाबियों नूं संदेश दे के कसम चुकाई है। जिहड़े वक्त वक्त प्रोग्राम जिवें सब डिविजन लैवल से साढ़े सारे MLA साहबान ने, जिला लैवल से डिप्टी कमिश्नर साहबान, सब डिविजन लैवल से SDM साहबान, पुलिस के ऑफिसर साहबान, सारे ने जिन्हें भी मतलब कि वॉलंटियर बनाए हैं उन्होंने अच्छ सहुँ चुकाई है तो अगे ये मैसेज दिता और ये प्रोग्राम एक लहर के रूप असी पंजाब असी लैके जाना एक लहर बनानी है नशे के रूप और वी आर वेरी श्योर कि इसनों सारे पंजाब के लोग कंबोज साहब तुम्हें की लगता भी तुम एक कमिश्नर दुकानदार की गल की और SDM साहब ने कहा भी उन्होंने इन्हें ड्यूटी लाई है उन्होंने बुला के समझाओ तुम्हें लगता भी सस्ता नशा होने करके कमिश्नर दुकानों तो ज़्यादा नशा बिक रहा है? नहीं, नशा तक किसी ना किसी पासों तो आता ही है ना, किसी ना किसी पासों जोड़ा आता उसको रोकने के लिए जॉब्स है तो सानू काफ़ी मतलब के कंप्लेंट्स है कि उन्होंने वालों कोई गोलियां का कोई होर जोड़े चोला छाप डाक्टर जोड़े पिंड बैठे आ उन्होंने राही या कोई भी बेचता चाहे ये बड़ी बुरी गल है पर मैं अपने वालों इन्हों कहा कि जिते भी तुहानू लगे किसी भी पद्धर के उत्ते लगे अपने कोई ढिल नहीं छड़नी तो सख्त कार्रवाई महल्या भी लैके जावे शहर भी लैके। सर अब किन्ने वॉलंटियर ने सहु चुकी है जी इतने जी? मेरे ख्याल है टोटल जे असी सब डिविजन कोई 3-4 हज़ार तो उत्ते जो वॉलंटियर बनाए हैं तो मोर दैन मेरे ख्याल 50% तो इतने आए हैं। नई जनरेशन तो ये साड़ी जिम्मेवारी है कि असी बच्चों सिखाइए कि ये बहुत बड़ी एक मतलब समाज के बुराई है इसको असी खत्म करना जड़ों पुट के रहना। हाई कोर्ट ने आदेश दिए ने भी जो कमिश्नर ने लसेंस नहीं देने प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिटेक्ट करने वास्ते गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है। जिवें तुसीं अज आप जिक्र किया है ट्रिब्यून बेसिक नीव है सर तो कमिश्नर ने तुसीं की करोगे कि लोगों ने लसेंस किराए लै के काम करी जाने तो उत्तर ये भी किया गया कि जोड़ा भी लसेंस होल्डर आपकी फोटो हो तो बंदे उत्तर आए रहे।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 3000 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਕਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ शहीदी समारोह के दौरान लगभग सभी वक्ताओं द्वारा नशों के खिलाफ मन से खुलकर बोला गया वह हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी द्वारा आए हुए सैकड़ों लोगों को नशों से समाज को मुक्त करवाने के लिए कसम भी दिलवाई गई। मगर मंच से हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने नशों के खिलाफ एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम राजपुरा को इलाके में सभी दवाई विक्रेताओं से बैठक कर उन्हें नशों की दवाइयों को ना बेचने के लिए कहा गया जिसको कहीं ना कहीं इलाके के लोग विधायक जी द्वारा नशों के खिलाफ उठाया पहला कदम भी बता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।